नमस्कार दोस्तों, इंडिया की सोच चैनल देख रहे हैं आप। पारा रामनगरा में मौजूद है, रामपुर मथुरा क्षेत्र में, और यहाँ पे देखा जा सकता है कि लाखों जो है हजारों की संख्या में जो है भक्त जन आए हुए हैं। और यहाँ पे 7 दिनों से जो है श्रीमद् भगवत कथा का आयोजन था, जिसमें जो है हमारे महाराज जी हैं, और आज जाने का प्रयास करते हैं कि जो ये भगवत कथा का जो आयोजन होता है, जिसमें बड़े बुजुर्ग बच्चे भी भाग लेते हैं और बहुत ही आनंद लेते हैं, तो साथ साथ में किस तरीके से अपनी वाणी से समझाने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले तो स्वागत है महाराज जी हमारे चैनल में आपका। जय श्री राधे जी। पूरा नाम महाराज जी क्या लिखते हैं आप? मेरा नाम संजीव कृष्ण जी। अच्छा, आपका निवास कहाँ है जान सकते हैं? हाँ, अभी वृंदावन से हम आए हैं यहाँ पर, हमारे भैया संदीप भैया के माध्यम से, और इस गांव के अंदर रामनगरा के अंदर वृंदावन ही बन गया ये, क्योंकि यहाँ इतना 7 दिन सभी भक्तों के साथ खूब आनंद आया हमें, और आज 7 दिन कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। तो ये आनंद जहाँ सब लोग एकत्र हो जाए वही भागवत हो जाती है। अच्छा, जो आप जिस तरीके से आप कथा का वाचन, मतलब अपने सुंदर विचारों से लोगों को समझाने का प्रयास करते हैं, जैसे कि कोई फर्क आज तक आपने कहाँ कहाँ किन किन जिलों में किन किन क्षेत्रों में आपने जो है इस कार्यक्रम का आयोजन किया है? और हर क्षेत्र में कथाएं होती रहती हैं। अभी पूर्व में राजस्थान से करके आए थे, और इसी के पूर्व में आपके हमारे विशाल भैया के माध्यम से लखनऊ में कार्यक्रम हुआ था, और संदीप भैया के माध्यम से इस गांव में हुआ है, और आगामी भी कार्यक्रम हमारे राजस्थान में 21 तारीख से। इस क्षेत्र में पहली बार आना हुआ? हाँ, मतलब हाँ, इस क्षेत्र में पहली बार हुआ है आना। जिस तरीके से आप समझाने का प्रयास करते हैं, तो जैसे कुछ महिलाएं होती हैं जो भागवत, यहाँ कैसा लगा? हमें तो बहुत सुंदर लगा, हम तो यही चाहते हैं आगामी कार्यक्रम ही हमारे इस क्षेत्र में हो, क्योंकि यहाँ के लोगों के भाव बहुत सुंदर है। जो आनंद हमें यहाँ प्राप्त हुआ है लगभग बहुत ही कम ऐसा देखने को मिलता है। और दूसरी बात यह है, कलयुग के अंदर भक्ति है ना, माताओं के अंदर ही आई है। आप किसी क्षेत्र में चले जाइए, सबसे ज़्यादा भीड़ अगर किसी होगी माताओं की, बहनों की ही ज़्यादा होगी, तो भक्ति का निवास भी माताएं ही कर सकती हैं। अच्छा महाराज जी, एक और हमारा सवाल है, जिस तरीके से किस उम्र में आपने इस मतलब लाइन में आगे, और क्या मतलब सोचा मन में? सोच नहीं, हमारी परंपरा चली आ रही है। मेरे अच्छा, पिताजी क्या करते थे, मेरे दादाजी भी भागवत कथा करते थे, उसी परंपरा के अनुसार मैं भी इसी कर्म गुरु परंपरा के अनुसार इस क्षेत्र में आया हूँ। ये हमारा धर्म बनता है सनातन संस्कृति को जागृत करना। तो सिर्फ राम के बारे में जो है मतलब कथा है आप कहते हैं, या फिर किसी भी? नहीं, हर कथा तो सारी कह लेते हैं, राम कथा, शिव पुराण, श्री देवी मत भागवत कथा, विशेष प्रेम हमारा भागवत कथा से है, इसलिए भागवत कथा ज़्यादातर होती है। हम तो यही चाहेंगे कि महाराज जी, जिस तरीके से आपने अपने सुंदर विचारों से यहाँ के लोगों को 7 दिनों तक जो है उनके मन को इतना आनंद आया है सुन करके, और आज जो है समापन के समय हमें भी जो है सौभाग्य प्राप्त हुआ कि आप मतलब दर्शन हो गए और 2 मिनट आपसे बात हो गई, तो बहुत